सरकार ने मुहर लगा दी है। जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार से इतर बिहार सरकार ने अपना फैसला लिया है। राज्य सरकार अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराएगी। इसका ऐलान सोमवार को सीएम नीतीश कुमार ने किया था। पटना में मुख्यमंत्री ने बताया कि इसकी तैयारी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बारीक तरीके से जातीय जनगणना कराई जाएगी और इसमें पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। इससे पहले सर्वदलीय बैठक होगी जिसमें इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि जातीय जनगणना को लेकर तमाम सियासी पार्टियों की सहमति हो गई है। आपको बता दें कि इससे पहले कर्नाटक अपने स्तर से जातीय जनगणना करा चुका है। अब जातीय जनगणना कराने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। बहुत लोग सब कास्ट ही खाली बोलेगा, कास्ट नहीं बोलेगा, तो सब कास्ट और कास्ट ये हर तरह से पूरे तौर पर देखना ताकि ठीक ढंग से एक एक चीज के लिए हमने कहा भी है, लोगों को बात भी किया है, लेकिन इन सब चीज़ों पर अभी नहीं कुछ कहेंगे कि क्या क्या किया जाएगा। सिर्फ मीटिंग हो जाएगी, उसी मीटिंग में कुछ बात को रखेंगे और सब की सहमति से जो बात निकलेगी उसी का सरकार की तरफ से फिर जो तरीका होगा इसके मैंने कास्ट बेस सेंसस का उसके बारे में पूरे तौर पर ऐलान हो जाएगा। तो अब तो हम वेट कर रहे हैं। जातीय जनगणना कराने पर भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी दलों के बीच सहमति बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सत्ता में उनकी सहयोगी बीजेपी जनगणना ना कराने के अपने पुराने रुख पर कायम है। इसे कांग्रेस ने सीएम की बेइज्जती बताकर तंज कसा है। परेशानी की कोई बात नहीं है जातीय जनगणना में। जातीय जनगणना से आपसी द्वेष बढ़ेगा और आपसी द्वेष बढ़ेगा और इसका कोई बहुत ज्यादा आउटकम आने वाला नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जातीय जनगणना कराने की कोई खास बात नहीं। यहाँ स्टेट, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि स्टेट चाहे तो अपना कर सकती है, तो अब सरकार क्या निर्णय लेती है, सरकार की कैबिनेट में क्या फैसला होता है, महागठबंधन जो है एनडीए का, एनडीए के गठबंधन क्या तय करते हैं, ये बहुत गंभीर बात है। जब हमारा बिहार का असेंबली का कुछ मर्यादा है, असेंबली जब हाउस से पास हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है केंद्रीय सरकार बिल्कुल इग्नोर किया, ये बिहार का बहुत बड़ी बेइज्जती है और इसको गंभीरता से नीतीश जी को सोचना चाहिए। और 2021 भी जो खत्म होने जा रहा है और नीतीश जी को जल्द से जल्द, जबकि हर पार्टी उनको सपोर्ट कर रहा है, तो जनगणना जो है वो अपने लेवल से कर ले बिहार में। जातीय जनगणना के मामले पर जेडीयू अपने रुख पर कायम है। आपको बता दें कि पार्टी ने कहा है कि हर हाल में जातीय जनगणना होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा था जातिगत जनगणना होगी। पहला प्रयास यह था कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना करावे। जब केंद्र सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया तो बिहार सरकार ने यह फैसला लेने का काम किया है कि बिहार सरकार अपने खर्चों पे जातिगत जनगणना करवाएगी। जातिगत जनगणना देश हित में है, जातिगत जनगणना बिहार के हित में है और जातिगत जनगणना का हम सब लोगों को स्वागत करना चाहिए। देखिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में माननीय नीतीश कुमार जी हमारे जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, बिहार में एनडीए दल के नेता हैं और सभी ने मिलकर के मुख्यमंत्री बनाया गया और उनमें सबको विश्वास है, पूरे बिहार को विश्वास है, एनडीए घटक दल को भी विश्वास है और हम समझते हैं कि वो जो भी फैसला लेंगे सभी को मंजूर होगा। आप देखेंगे सर्वसम्मति से सारी बातें निकल के आएगी। जहाँ तक पूरे भारत का परिप्रेक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है कुछ अपना बात हो, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम कहेंगे हम सब एक हैं और जो भी बात होगी सब मिलजुल करके हम लोग